हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हरीश। दोस्तों, आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि एजेंट स्मिथ नाम का एक मालवेयर हमारे एंड्रॉयड डिवाइसेस को इम्पैक्ट कर रहा है और अभी तक इसने वर्ल्ड वाइड 25 मिलियन डिवाइसेस को इम्पैक्ट किया है, जो कि 2.5 करोड़ के आसपास हैं। और साथ ही उसमें से 1.5 करोड़ जो डिवाइसेस हैं वो सिर्फ इंडिया से ही इम्पैक्ट हुए हैं, और इसके अलावा बांग्लादेश, नाइजीरिया, US, हंगरी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको इसने इम्पैक्ट किया है। एजेंट स्मिथ एक मॉडुलर मालवेयर है और ये आपके मोबाइल फ़ोन की एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन को मेलिशियस एप्लीकेशन से रिप्लेस कर देता है और आपके मोबाइल फ़ोन में अनवांटेड एड्स को सर्व करता रहता है और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी स्टील कर सकता है। ये मालवेयर गूगल प्ले स्टोर में भी 60 एप्लीकेशंस के अंदर इंस्टॉल था, जिसको कि अब रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आपने कोई लेटेस्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड की है और उसके अंदर आपको काफ़ी सारे एड्स हो रहे हैं और उससे आपका मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो रहा है, तो आप उस एप्लीकेशन को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं या फिर आप किसी थर्ड पार्टी ऐप स्टोर से आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं, वेबसाइट से आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं APK फाइल के थ्रू, तो उन सभी एप्लीकेशंस के अंदर आपको एजेंट स्मिथ मालवेयर अटैच मिल सकता है। और अगर आप उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एजेंट स्मिथ मालवेयर आ सकता है। मान लीजिए आपने किसी अनट्रस्टेड सोर्स से एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है, तो एजेंट स्मिथ इनिशियली आपके डिवाइस के अंदर या तो एक फ़ोटो यूटिलिटी के तौर पर इंस्टॉल होगा या फिर एक गेम के तौर पर इंस्टॉल होगा या फिर एक पोर्न ऐप के तौर पे आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल होगा। उसके बाद वो अपना नेम चेंज कर लेता है और एप्लीकेशन मैनेजर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको गूगल अपडेट या गूगल अपडेट फॉर यू टाइप की एप्लीकेशन के तौर पे वो आपको दिखेगा, ताकि कोई नॉर्मल एंड्रॉयड यूज़र उसको आइडेंटिफाई ना कर सके और वो बैकग्राउंड में अपना काम करता रहे। ये आपके मोबाइल फ़ोन की एग्जिस्टिंग एप्लीकेशंस की फाइल्स को चेंज कर देता है मेलिशियस फाइल से, और उसके बाद आपको आपके मोबाइल फ़ोन में नॉर्मल उस एप्लीकेशन की अपडेट जैसे हमें अपडेट आती है वैसे रिसीव होगी, लेकिन वो आपकी पूरी की पूरी एप्लीकेशन को मेलिशियस एप्लीकेशन से रिप्लेस कर देगा, जिससे कि अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तो आपको काफ़ी सारी एड्स उसके अंदर देखने को मिलेंगी और साथ ही आपका जो पर्सनल डेटा है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर उसको स्टील किया जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो मालवेयर है ये सिर्फ एक एप्लीकेशन तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके मोबाइल फ़ोन की सारी एप्लीकेशंस के अंदर जो जो इसके फाइल्स के अंदर जिस चीज़ को ये टारगेट कर सकता है एप्लीकेशन को, उन सारी एप्लीकेशन के अंदर ये जा सकता है और उन सारी एप्लीकेशन को इन्फेक्टेड कर सकता है। और उसके बाद आपके मोबाइल फ़ोन में मान लीजिए आपके कोई बैंक की डिटेल है, बैंक की एप्लीकेशन है, तो आपकी वो इन्फॉर्मेशन भी ये स्टील कर सकता है और आपको फाइनेंशियल लॉस दे सकता है। तो अब हम बात करते हैं कि एजेंट स्मिथ मालवेयर को आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए दोस्तों, आपके मोबाइल फ़ोन की जो नॉर्मल मैसेजिंग एप्लीकेशन लाइक व्हाट्सएप या फिर आपका ट्रू कॉलर या फिर आपकी फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन, अगर इनके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा एड सर्व हो रही हैं और ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसके बारे में मान लो आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है जो आपने कभी सर्च ही नहीं किया था, या फिर आपका मोबाइल फ़ोन काफ़ी हैंग हो रहा है या हीटअप हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में मालवेयर इंस्टॉल हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इंस्टॉल मत कीजिए, किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से किसी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल मत कीजिएगा। और इसके अलावा प्ले स्टोर पर भी अगर आपको एक ऐसी एप्लीकेशन दिख रही है जिसके अंदर ज़्यादा डाउनलोड्स नहीं हैं और आपको लग रहा है कि एप्लीकेशन सही नहीं है, तो आप उसको बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिए, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन के साथ ही एजेंट स्मिथ मालवेयर अटैच हो सकता है। और अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रही है, आपको लग रहा है कि आपका मालवेयर आपके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल हो चुका है, तो एक सिंपल सा तरीका है, अपने जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ आप अपने मोबाइल फ़ोन में से स्टोर कीजिए अपने किसी हार्ड ड्राइव में या फिर लैपटॉप में, और उसके बाद अपने मोबाइल फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट कर दीजिए, जिससे आपके मोबाइल फ़ोन की सारी एप्लीकेशन अनइंस्टॉल हो जाएंगी और आपका मोबाइल फ़ोन बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा और उसमें से जितने भी वायरस हैं, मालवेयर हैं, सब अनइंस्टॉल हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।